बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। लोकसभा में भी इसकी गिनती होती है। अच्छा। रामनिवास बोर्ड की गिनती होती है मानसों के अंदर। अच्छा। छोटे छोटे परिवार से लगा हुआ इसका, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत मिलनसार आदमी है। संजना सातरोड को यहाँ कौन जानता है जी? सातरोड के अंदर ही उनको वोट नहीं मिलने वाले। लोगों को यही नहीं पता कि ये कहाँ से है, कहाँ से नहीं। कोई तो कहता है जी डांड गांव से है। खैर हमारे को तो नहीं पता, हमने जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ। कोई कहते हैं सातरोड से है। अब कोई सातरोड का बंदा हमारे को मिलता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या संजना सातरोड आपके वहां से। वो कहते ना जी यहाँ से तो नहीं है। संजना सातरोड को यहाँ कौन जानता है जी? सातरोड के अंदर ही उनको वोट नहीं मिलने वाले। लोगों को यही नहीं पता कि ये कहाँ से है, कहाँ से नहीं। कोई तो कहता है जी डांड गांव से है। खैर हमारे को तो नहीं पता, हमने जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ। कोई कहते हैं सातरोड से है। अब कोई सातरोड का बंदा हमारे को मिलता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या संजना सातरोड आपके वहां से। वो कहते ना जी यहाँ से तो नहीं है। क्या माहौल चल रहा है आपके हल्के का? हमारे रामनिवास गोडले का बहुत अच्छा माहौल बनवा हल्के में। अभी वो संजना सातरोड भी कॉम्पिटिशन में आगे कह रहे जी, वो भी कोई ना कोई टक्कर दे देंगे। वो यहाँ की है ही नहीं, डेढ़ साल से अगर वो आके एरिया को देख रहे हैं, 20 साल से इनको लोग जानते हैं। बच्चा भी पकड़ ले तो बच्चे तक के नाम से जानते हो। हल्के कांग्रेस बहुत आगे है जी, इसकी टक्कर में कोई नहीं है। पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर बीजेपी सत्ता में है, तो क्या इस बार बदलाव ला के छोड़ोगे? बदलाव पक्को है। 10 साल में इतना तो कागज कर दिया, अनपढ़ आदमी खड़े ठाया फिर रोज ही काम दाढ़ी बजाओ कागज ठाया फिर। एक ये संजना हो रही है। अभी जाके आप हाईवे पे ठेके पे देखो, दारे दिला के लोगों के लुगाइया के हाथ तोड़ाने लग रही है। इतना माड़ा काम तो क्यों करे? पैसे है तो उसको अच्छी तरह यूज करे। बीजेपी कहती है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के बेरोजगारों को रोजगार दिया, इस बात में कितने सच्चे? बोलने से क्या होता है जी, दिया तो किसी को है ही नहीं। अगर दिया होता तो छाता धरने पे थोड़े बैठे होते, अभी भी रोहतक बैठे हुए हैं। कॉम्पिटिशन की बात करें तो बरवाला हल्के के अंदर घोड़ेला साहब का कोई कॉम्पिटिशन भी रहने वाला है? कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जी, 30,000+ लीड से जीतेंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। बरवाला विधानसभा सीट जो अपने आप में एक हॉट सीट बनी हुई है, उसके लगभग हर रूरल क्षेत्र के अंदर हमने पहुंचकर वहां के मतदाताओं के नब्ज टटोली। लेकिन हिसार का मिलगेट एरिया का कुछ ऐसा क्षेत्र जो बरवाला विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो इस शहरी एरिया के अंदर कौन से राजनीतिक पार्टी का कौन सा प्रत्याशी लोगों के मन को भा रहा है और कौन सी राजनीतिक पार्टी को इस बार ये पटकनी देने वाले हैं, वो नब्ज टटोलने के लिए आज बरवाला हल्के के मिलगेट एरिया के अंदर फिलहाल हमारी टीम पहुंची है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या माहौल चल रहा है आपके हल्के का? हमारे रामनिवास गोडले का बहुत अच्छा माहौल बरवाला हल्के में। वजह क्या है? वजह काम करने वाला सबसे मिलता है और बहुत ही मिलनसार आदमी है। काम बहुत किए पीछे 9 से आपका 14 तक, जैसे बरवाला में गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया है, वहाँ उपमंडल बनवाया है, बाईपास बनवाया, पार्क बनवाया हुआ, और बहुत सी लोगों की समस्या हल की उसने। तो काम तो बीजेपी वाले भी कहते हैं हमने बहुत करा दिया। ना 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 ना, बीजेपी वालों ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। अच्छा। लोगों को भ्रमित किया बीजेपी वालों ने। अच्छा। आज तो नरेंद्र मोदी भी हिसार में आए थे, इसका कोई फर्क पड़ेगा? ना ना, इससे कोई फर्क पड़ेगा। वो तो राहुल गांधी भी हमारे आए थे कांग्रेस के। अच्छा। तो मोदी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी तो सब जुमलेबाज है वो आदमी। कहीं ना कहीं सामने जो कंपटीशन है ना, वो डिप्टी स्पीकर के साथ है हरियाणा के, तो क्या कुछ जोर नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम एक तरफ जीत रहे हैं सब। ठीक है, बाबूजी राम राम। राम राम जी। राम राम चल रहा हल्के का? हल्के कांग्रेस बहुत आगे है जी, इसकी टक्कर में कोई नहीं है। वजह क्या है? वजह बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा। लोकसभा में भी इसकी गिनती होती है। अच्छा। रामनिवास बोर्ड की गिनती होती है मानसों के अंदर। अच्छा। छोटे छोटे परिवार से लगा हुआ इसका, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत मिलनसार आदमी है। इससे आगे एक भी ईंट नहीं लगी हुई थी जिससे एमएलए बनाना है, सारी बाईपास तक इसकी ईंट लगवाई है सारी। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो कभी कोठी पे गए हो बातचीत कर रहे हैं, मतलब चाय पानी पियावा के बारते बैठ पाते? पहले पानी की, चार आदमी बैठे हैं, पहले पानी पियाओगे, फिर चाय पियाओगे, फिर रोटी खुआओगे, फिर काम की पूछेंगे, काम भी जाते ही करें। अच्छा। हाँ। तो पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर बीजेपी सत्ता में है। हाँ। तो क्या इस बार बदलाव लाके छोड़ोगे? बदलाव पक्को है। 10 साल में इतना तो कागज कर दिया, अनपढ़ आदमी खड़े ठाया फिर। अच्छा। रोज ही काम दाढ़ी बजाओ कागज ठाया फिर। कागजा का जिक्र तो कर दिया, बोले हमने परिवार पहचान पत्र बना दिया, आयुष्मान कार्ड बना दिया, ये बना दिया, तो मैंने वो करा के, ये तो पढ़िया लिखा है अनपढ़ मेरे पर को तो बोले छाया फिर तो सर दिन है। अच्छा। ये तो गलत काम करियो अपना। हाँ जी भाई साहब, युवा होने के नाते एक सवाल जो मैं हर युवा से पूछने की कोशिश करता हूँ। बीजेपी कहती है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के बेरोजगारों को रोजगार दिया, इस बात में कितने सच्चे?
बोलने से क्या होता है जी, दिया तो किसी को है ही नहीं। अगर दिया होता तो छात्र अब धरने में थोड़े बैठे होते, अभी भी रोहतक बैठे हुए हैं। तो ये तो सिर्फ जुमलेबाज है जी, 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने बोली थी साल में हम देंगे, पर इन्होंने नहीं दी। फिर हल क्या है? हल अब कांग्रेस आ रही है जी, पहले कांग्रेस ने यहाँ काम हुए थे, रामदास गोडला जी ने बहुत काम किए हैं इस एरिया में। बीजेपी वाले कहते हैं जी हम तो 70 पार करेंगे, 80 पार करेंगे, आप कह रहे हो कांग्रेस? वो तो ना पिछली बार बोल रहे थे 80 पार करेंगे जब उनकी 40 आई थी, अब की बार तो वो बोल ही नहीं रहे, उनको पता है उनकी 20 पार नहीं होनी। तो कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन की बात करें तो बरवाला हलके के अंदर गोडेला साहब का कोई कंपटीशन भी रहने वाला है? कोई कंपटीशन नहीं है जी, 30,000+ लीड से जीतेंगे। अभी वो संजना सातरोड भी कंपटीशन में आगे कह रहे हैं जी, वो भी कोई ना कोई टक्कर दे देंगे। वो यहाँ की है ही नहीं 1.5 साल से, अगर वो आके एरिया को देख रहे हैं, ये 20 साल से है, इनको लोग जानते हैं, बच्चा भी पकड़ते तो बच्चे तक के नाम से जानते हैं वो। अच्छा, हर किसी से मिलनसार है, हर कोई उनको जानता है, 20 साल से सेवा कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, तो फिर उनको पसंद करेंगे लोग और पसंद कर भी रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, गोडेला साहब से कभी मिले हो, कभी बातचीत की है, कैसा स्वभाव है? गोडेला साहब से हम तो रोज ही मिलते हैं। एरिया के अंदर ऐसा कौन बंदा है जो गोडेला साहब से नहीं मिला हो? आप ये ना पूछो कि गोडेला साहब से मिले हैं, आप उस बंदे को जानने की कोशिश करो कि इस बरवाड़ा हल्के के अंदर गोडेला साहब से कौन नहीं मिला। यहाँ जो पिछले 15 सालों से हर एक घर के अंदर आते हैं, मतलब जब भी टाइम मिलता है डोर टू डोर करते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ पिछले 15 सालों से लोगों से जुड़े हुए हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, अब रणवीर जी है, अगर इतनी ही बात थी तो वो अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? ठीक है ना। सेकंड बात रही संजना सातरोड की, संजना सातरोड को यहाँ कौन जानता है जी? सातरोड के अंदर ही उनको वोट नहीं मिलने वाले, लोगों को यही नहीं पता कि ये कहाँ से है कहाँ से नहीं। कोई तो कहता है जी डांड गांव से है, खैर हमारे को तो नहीं पता, हमने जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ। कोई कहते हैं सातरोड से है, अब कोई सातरोड का बंदा हमारे को मिलता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या संजना सातरोड आपके वहां से, वो कहते ना जी यहाँ से तो नहीं है, तो हमें तो यही नहीं पता चला कि आज तक वो है कहाँ से। तो सेकंड क्या है, गोडेला साहब का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, उनका अपने आप से मुकाबला है कि पिछली बार जो हमने जीत हासिल की थी उससे कितने ज्यादा वोटों से हमने जीत हासिल कर ली। चलो आप तो एक तरफा कह रहे हो गोडेला साहब का माहौल है, मार्जिन क्या कुछ मान रहे हो? मार्जिन तो देखो जनता का मूड बताएगा, लेकिन हमारा मानना है कि 30+ की हमारी जीत हो, 30,000 बिल्कुल जी जी। हाँ जी भाई साहब, 30,000+ है। मैं सोचा आपका ध्यान फोन में, आप तो फोन में ध्यान नहीं है, मैं ये देख रहा था अपने जो बरवाड़े से निर्दलीय खड़े हुए थे संत गिरी जी महाराज, उन्होंने गोडेला साहब को समर्थन दे दिया। अच्छा, आपको पता ना हो तो, और वो पहले बीजेपी में थे और गंगवा की टिकट के लिए उन्होंने विद्रोह किया था, इसको टिकट इस एरिया में नहीं मिलना चाहिए, अच्छा आदमी नहीं है, फिर बीजेपी ने उनको टिकट दी इसलिए वो निर्दलीय खड़े हुए। लेकिन उन्हें पता है अभी गंगवा गोडेला साहब ने काम किया, अच्छे आदमी है, तो उन्होंने गोडेला को अभी समर्थन दिया। बढ़िया अंगद जी, गोडेला साहब के बारे में एक चीज बहुत मशहूर है कि जब भी वो किसी गांव में किसी हलके में किसी क्षेत्र में जाते हैं तो 100 में से 90 लोगों को बाय नेम जानते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल ये 100% सही है कि वो 100 के 100 ही जानते हैं, यूं समझ लो आप। अच्छा, नाम जानते हैं, बाय नेम जानते हैं आदमी को, इतना उनका वो है मिलनसार, यानी आप इससे अंदाज लगा सकते हो कितनी इसकी मेमोरी तेज है, तेज है। हाँ जी, हल्के की अगर बात करें तो धन्यवाद जी, क्या दुख सुख में हल्के के अंदर कोई दुख सुख हो जाए, कुछ भी गमी खुशी हो तो क्या गोडेला साहब पहुँचते हैं? हाँ पहुँचते हैं जी, हमारे दुख सुख में बीच में रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो इस बार क्या कुछ करने वाले हो? इस बार गोडेला साहब को बनाएंगे। हाँ जी, 5 अक्टूबर को अपने विधानसभा के चुनाव है, आज कहीं ना कहीं अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे तो ऐसे में क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव? यहाँ हिसार सीट पर बरवाला सीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका इलेक्शन बैठ रहा दोनों सारा का। अच्छा, राम निवास बोटला मिलन सारा आदमी है, अच्छे वोटों जीतेगा, हम गम गम जीता गया बरवाड़े घूम जाए सारे, प्रोग्राम इतने है कि टाइम भी पूरा कौन मिल सके, जी जान लगा दो, जी जान लगा रखी है। अच्छा, फिर मिलन सर सब ने जाना, आम आदमी ने जाना लगा दिया, हर एक गम हर एक आदमी को जानता है। क्या पोजीशन है आपके हल्के की? हमारे हल्के की एक तरफा पोजीशन है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देंगे। मेन चीज ये है कि हर बच्चे को इतना नरम स्वभाव आज तक हमने इस हलके में किसी विधायक का देखा ही नहीं, और एक ये संजना हो रही है, अभी जाके आप हाईवे पे ठेके पे देखो, दारे दिला के लोगों के लुगाइया के हाथ तोड़ाने लग रही है, इतना माड़ा काम तो क्यों करे, पैसे है तो उसको अच्छी तरह यूज करे।
तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं बरवाला हलके के मेलगेट क्षेत्र की, जो कहीं ना कहीं बरवाला हलके के अंदर ही आता है। और यहाँ पर जो लोगों का साफ तौर पर एक ही बात का कहना है कि पिछले 15 साल से घोड़ेला साहब जो है हलके के अंदर एक्टिव नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के काम भी करवाए हैं। ऐसे में इस बार बरवाला हलके में कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला एक तरफा जीत हासिल करने वाले हैं और कहीं ना कहीं दावे तो 30,000 वोटों के मार्जिन की किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ रहेगा 5 अक्टूबर को पता चल जाएगा और उसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आने वाला है, उसकी अपडेट भी सिटी बिग न्यूज दिखाता रहेगा। आपके इस बारे में जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर